यार अभी देखो तुम्हारे साथ बैठी हुई है, और कल को पता चले कि टीना का ग्रुप जो है वो बाकी तुम लोगों से माठा है, तो फिर क्या बनेगा? क्या फायदा हुआ वो सारा कुछ करने का? तो यार मैं आई एम नॉट वेरी गुड टू इट। चलो खैर, आज हम एक और चीज पढ़ते हैं। एंड द थिंग इज, फॉर आपके उधर कोर्स में टॉपिक है फॉरेन पॉलिसीज ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज। फॉरेन पॉलिसीज ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज, ठीक है? और उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज दिए हुए हैं, तो मैं हमारा जो मेजर फोकस है वो मैं चार मेजर कंट्रीज पे हमारा फोकस होगा आज, जिसमें यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। बाकी जो ब्रिटेन है वो ऑलमोस्ट अब इरेलीवेंट हो चुका है, और जो यूरोपियन यूनियन है वो जब हम इंस्टीट्यूशंस करेंगे तो उसके साथ हम कर लेंगे। सो वी स्टार्ट टुडे विद फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, वो मैंने सारा कुछ आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। आज हम डायरेक्टली टारगेट करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ सम सिलेक्टेड कंट्रीज। ओके, नहीं विद रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान, नहीं ओवरऑल, ओवरऑल उनकी फॉरेन पॉलिसी। सो वी स्टार्ट विद फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए। अगर हम यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो हमें ये एक जैसी नहीं नजर आएगी। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूएसए ने लिए। जो हमें आजकल यूएसए की फॉरेन पॉलिसी मिलती है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन विद द स्टार्ट। बिकॉज यूएसए जब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था विद आइसोलेशनिज्म एंड नॉन इंटरवेंशन। वो ये था कि जब यूएसए बना था इन 1781, तो यूएसए पहले एक कॉलोनी थी, और कॉलोनी थी यूके की, और जंग करके इन्होंने यूके से आजादी ली थी। और जब यूके से आजादी ली तो जो सबसे पहली चीज उन्होंने ऑब्जर्व की, दे वर इकोनॉमिकली वेरी वेरी एंड वेरी वीक। एंड सेकेंडली उसकी जो ज्योग्राफी थी यूएस की, दैट वाज कंप्लीटली यूनिक इन नेचर। बिकॉज अगर हम यूएस को देखें तो यूएस वाज ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द यूरोप। तो उस टाइम के लिए जो सबसे अच्छी पॉलिसी इनको लगी वो ये थी कि हम किसी भी मामलात में अमेरिका के ना आए। जी, इकोनॉमिकली वीक था, और अमेरिका जो है वो किसी भी मामला में, सॉरी बाकी यूरोप जो है वो हमारे मामला में ना आए। सो इन स्टार्ट दे अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ अलायंस विद एनीथिंग, एंड दे अवॉइड एनी वॉर दैट वाज हैपनिंग इन द यूरोप। तो अगर आप इसको आज के दिन के साथ कंपेयर करें कि जिसके अंदर यूएसए हर जगह पर मौजूद है, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि
यूएसए का जो स्टार्ट है वो ऑफिशियली हुआ एज ए पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिस्ट एंड नॉन इंटरवेंशनिस्ट, जिसको 1823 में उस टाइम के प्रेसिडेंट ने, मनरो ने, एक डॉक्ट्राइन के जरिए लॉक कर दिया कि हम आज के बाद यूरोप के किसी मामले में नहीं आएंगे और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अमेरिका के किसी भी कंट्री को फर्दर कॉलोनाइज नहीं करेंगे। और इसी इसी मनरो डॉक्ट्राइन को लेके इसी मनरो डॉक्ट्राइन को लेके दे ट्रेवल्ड अप टू 1898। 1898 में एक वॉर हुई यूएस की स्पेन के साथ, जिसको हम कहते हैं स्पैनिश अमेरिकन वॉर। इस स्पैनिश अमेरिकन वॉर की माले गनीमत में यूएस को दो चार चीजें मिली, वो थी कॉलोनीज, जो स्पेन की कॉलोनीज थी, और में जो मेजर कॉलोनीज थी दैट वाज फिलीपीन, दैट वाज गुआम एंड दैट वाज प्यूर्टो रिको। अब मसला इन कॉलोनीज की मैनेजमेंट का था। इनकी मैनेजमेंट करने के लिए पहली दफा इनको इंटरवेंशन के लिए निकलना पड़ा। दूसरी वजह जो घर से निकलने की वजह बनी, दैट वाज चाइना। चाइना उस टाइम तक बहुत बैकवर्ड कंट्री था, कोई इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, कोई इनकी अपनी इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन क्योंकि चाइना का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी वो यहाँ पे अपना मसल्स शो करने की कोशिश करती रहती थी। क्योंकि यूएस का भी एक चीज तो क्लियर थी कि वॉर्स में इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएस के हमेशा थे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएस के हमेशा थे, तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जब पूरी दुनिया चाइना की बंदर बांट कर रही थी कि ये वाला पार्ट यूके के पास आ जाएगा, ये वाला पार्ट नेदरलैंड के पास आ जाएगा, ये वाला किसी और पार्ट के पास चला जाएगा, तो यूएसए ने एक पॉलिसी दी चाइना को, जिसको कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी, कि चाइना वुड बी ओपन टू ऑल द स्टेट्स और सारी स्टेट्स वहां पे ट्रेड कर सकेंगी। सो दिस इश्यू ऑफ चाइना बिकेम द सेकेंड रीजन ऑफ द यूएस इंटरवेंशन। और जो थर्ड वजह थी, वो ये थी कि इन्होंने अपनी बिल्कुल नीचे यहाँ पे इन्होंने कैनाल बनानी थी पनामा में, जिसको आज कहते हैं पनामा कनाल, उसके लिए इनको पनामा में अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लानी थी। तो पनामा में अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाने के लिए इन्होंने वहां पे कॉवर्ट ऑपरेशंस किए, और कॉवर्ट ऑपरेशंस करके ये अपनी मर्जी की यहाँ पे गवर्नमेंट लेके आए, और किसी वॉर में पहली दफा यूएस ने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया था बल्कि उस वॉर को खत्म करवाने में अहम रोल प्ले किया था, तो दैट वाज रसो जापानीज वॉर। मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसको कंक्लूड करवाने में यूएस ने बहुत अहम रोल प्ले किया था। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका फ्रॉम 1781 अप टू 1898
दे वर कंप्लीटली फॉलोइंग अराउंड अ सेंचुरी दे वर कंप्लीटली फॉलोइंग नॉन इंटरवेंशनिस्ट. हाउएवर इन 1898 अप टू 1905 अराउंड फोर इवेंट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड दैट कोर्स्ड यूएसए टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड. हाउएवर स्टिल देन द यूएस वॉज ओनली इन्वॉल्व पार्शली इन टू द वर्ल्ड अफेयर्स not completely in the world affairs. Within this framework, there came an event in 1914, and that event is known as World War One. सारी शब्द पीछे तो बताए हैं बेटा चार इवेंट्स. एक एक एक्सप्लेन तो किया है. नंबर वन कॉलोनीज मिली थी, नंबर टू चाइना की ओपन डोर पॉलिसी, नंबर थ्री पनामा इशू, एंड नंबर फोर रसो जापानीज वॉर. समझ नहीं आई बात? सो वर्ल्ड वॉर वन जब हुई तो इनिशियली 1914 से 1917 तक अगेन यूएस वाज फॉलोइंग नॉन इंटरवेंशन. हाउएवर सम इवेंट्स मेड देम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन इन 1917. बट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन In 1918 and till the Treaty of Versailles in 1919 and League of Nations of 1919, US again went back to its earlier foreign policy. US said a clear-cut no. US said clear-cut no to the European affairs as US did not join the League of Nations. However, फिर से मैं तो इतनी मुश्किल बातें कर ही नहीं रहा हूँ बेटा. कहाँ से नहीं समझ आई? कोई पिन पॉइंट करो बात जो समझ ना आई हो. ये सारे वो इवेंट्स हैं जो हमने पढ़ लिए हुए, मतलब जस्ट एक क्विक रिकैप दे रहा हूं. जनाब स्पीड इसलिए तेज हो गई है कि मैं पढ़ा नहीं रहा, ये तो मैं रिकैप दे रहा हूं जरा, ये तो मैं रिकैप दे रहा हूं यार. ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया हुआ तुम लोगों को. देखो अब मैं तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मैंने पढ़ा दिया वो तो बस मैं रिकैप दूं. या वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई और लीग ऑफ नेशन बनी तो लीग ऑफ नेशन में यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया. लीग ऑफ नेशन में यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया. जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो दे अगेन वेंट बैक टू देयर नॉन इंटरवेंशनिस्ट आइडियोलॉजी. ठीक है अब समझ आइए फिदा. ओके गुड. अच्छा उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर टू होती है और वर्ल्ड वॉर टू में अगेन यूएस पार्टिसिपेट करता है और वर्ल्ड वॉर टू के बाद
वर्ल्ड वॉर टू, जी, कसम ऐसे ही है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर का जो एक एक्टिव प्लेयर था वो खुद यूएस था। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो यूएस की जो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी थी दैट ऑल टुगेदर चेंज्ड, किसके साथ? विद मनरो डॉक्ट्राइन। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस कि हमने एक सफर किया फ्रॉम मनरो डॉक्ट्राइन टू ट्रू मैन डॉक्ट्राइन, और ये सफर जो है ये असल में यूएस की फॉरेन पॉलिसी का सफर है। देखो, मनरो डॉक्ट्राइन में ये था कि हम किसी भी यूरोपियन कंट्री की वार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सुहेल ज्वाइन नहीं किया उसको। ये अब यूएस हिस्ट्री का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं यूएस हिस्ट्री पढ़ाना नहीं चाहता तुम लोगों को, बिकॉज जिन लोगों का नहीं है वो क्यों फजूल चक्कर में पढ़े। बस आप ये याद रख लो कि लीग ऑफ नेशन, यस यू आर राइट, कि लीग ऑफ नेशन प्लान यूएस का ही था, बट यूएसए डिड नॉट ज्वाइन इट। अब इसने, यूएस ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, इसके ऊपर पूरा जो ना वो 1 घंटे का लेक्चर होता है मेरा यूएस हिस्ट्री में, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। क्लियर? देखो, आज इसरार कक्कड़ को भी याद आ गया, देख लो। सो मनरो डॉक्ट्रिन ये थी, मनरो डॉक्ट्रिन ये थी 1823 में कि हम किसी यूरोपियन कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और कोई यूरोपियन कंट्री हमारे मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और ट्रू मैन डॉक्ट्रिन ये थी कि अगर यूएसएसआर किसी भी कंट्री के अंदर इंटरवेंशन करेगा तो यूएसए उस कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा। सुहेल, मैं बच्चे इसको सम अप करता हूँ, इसको जब मैं सम अप करूंगा तो फिर आपकी सारी बातें जो ना समझ आ जाएंगी आपको, ठीक है। और जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुई, तो कोल्ड वॉर के एंड होने पे क्या हुआ कि वर्ल्ड ऑर्डर ही ऑल टुगेदर चेंज हो गया, बिकॉज दुनिया जो है वो यूनिपोलर हो गई, और जब यूनिपोलर हुई और यूएसए दुनिया का अकेला सुपर पावर कंट्री बना तो इसके ऊपर मॉरल बाइंडिंग थी, कि दुनिया के जो भी अग्रेसर कंट्रीज हैं, उनको ये लाइन इन करे या उनको ये ठीक करे। तो इसके बाद यूएस एक्टिवली बिकेम द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुश डॉक्ट्रिन आया, बुश डॉक्ट्रिन ये था कि जब 9/11 का अटैक हुआ और टेररिस्ट ने ट्विन टावर पे अटैक किया तो उसके बाद बुश ने एक डॉक्ट्रिन दी जिसको बुश डॉक्ट्रिन कहते हैं। उस डॉक्ट्रिन के 3 जो हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। जो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो था प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। यार मेरा क्या फायदा हुआ तुम लोगों को इतना डिटेल में आयर पढ़ाने का, जो अभी भी ये बातें तुम मुझसे पूछ रहे हो, इट्स वेरी बैड।
यार जो भी मेजर वर्ल्ड पावर होती है, मोहल्ले के चौधरी का ये फर्ज नहीं होता कि अगर किसी की बकरी चोरी हो गई है, अगर किसी की लड़ाई हो गई है, तो मोहल्ले का चौधरी उसको छुड़ाएगा? ये उसके मॉरल बाइंडिंग नहीं होती? गांव में जितनी भी पंचायत होती हैं, जो भी कबायल का लीडर होता है, वो सारे चौधरी के पास नहीं जाते? तो चौधरी के ऊपर एक मॉरल बाइंडिंग नहीं होती? तो इसी कंटेक्स्ट में इसको भी सोचो कि जब यूएस वर्ल्ड पावर बना तो उसके ऊपर एक मॉरल बाइंडिंग बन गई कि जो भी अग्रेसर कंट्रीज हैं उनको यूएस एड्रेस करे। देखो मैं जो जो क्रिटिकल डिबेट है ना कि उसने किया नहीं किया, वो एक अलग चीज है। मैं अभी आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी, कि यूएस फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट से लेके अब तक उसमें कौन कौन सी डायमेंशंस चेंज हुई, उसके अंदर कौन कौन से जो है ना वो फेजेस आए। डू यू गॉट इट और नॉट? इसको सम भी करेंगे हम, परेशान नहीं होना, पता तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग ए रीकैप, लेकिन फिर भी हम सम अप करेंगे। बुश डॉक्ट्रिन के तीन अहम काम थे। नंबर वन प्री एम्प्टिव स्ट्राइक था। अब प्री एम्प्टिव स्ट्राइक क्या होता है? प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ये होता है कि जैसे अगर कोई कंट्री ए कंट्री बी पे अटैक करता है, तो कंट्री बी फिर सेल्फ डिफेंस के लिए कंट्री ए पर अटैक करेगा। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ये होती है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये होती है कि अगर आपको ये लगे कि कंट्री ए है और कंट्री बी है, अगर आपको ये लगे कि कंट्री ए मुझ पर अटैक कर देगा, ठीक है, तो इससे पहले कि ये अटैक मिच्योर हो, इससे पहले कि ये अटैक मटेरियलाइज हो, कंट्री बी ऑलरेडी उसके ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। और इसी का सहारा लेके यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म प्लस कंट्रीज हार्बरिंग टेररिस्ट, मतलब वो ममालिक जिनके अंदर जो मतलब टेररिज्म है, और वो कंट्रीज जो उन टेररिस्ट को, सॉरी हमें टेररिस्ट लिखना था, मतलब टेररिस्ट के अंदर और वो कंट्रीज जो उन टेररिस्ट को हार्बर कर रही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। मतलब अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान गवर्नमेंट है और जो तालिबान है, उनमें उस टाइम उन्होंने कहा कि कोई भी फर्क नहीं है एंड वी विल अटैक दम। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि हम लिबर्टी को और इंडिपेंडेंस को और डेमोक्रेसी को दुनिया के अंदर स्प्रेड करेंगे ताकि दुनिया एनिमोसिटी रिप्रेशन और फेयर से आजाद हो जाए। मुनीबा दूसरा पॉइंट ये था कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड कंट्रीज हार्बरिंग देम, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड कंट्रीज हार्बरिंग देम, बिकॉज देखो अफगानिस्तान के ऊपर वो तभी अटैक कर सकते थे, अफगानिस्तान के ऊपर वो तभी अटैक कर सकते थे जब उनको ये प्ली मिलनी चाहिए थी कि अफगानिस्तान में और जो अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद
एक न्यू रजीम आया, दैट वाज ओबामा रजीम, ओबामा जब अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, जी जी बिल्कुल, अपनी ही लीवरेज के लिए, अपने ही लीवरेज के लिए, शाबाश राबिया, जब ओबामा के रजीम आया तो ओबामा 2008 तक प्रेसिडेंट बनने के लिए बुश के ऊपर बड़ी लान तान करता था कि तुमने इतनी बड़ी मैसिव किलिंग की है और ये किया है और वो किया है, फलाना किया, ढिमकाना किया है, तुम्हारी वजह से सारी वॉर स्टार्ट हुई है और दुनिया एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स हमारे अगेंस्ट बढ़ गए हैं एंड ऑल दैट. बट इन एक्चुअली व्हेन ही टुक द सीट, ही डिड सम थिंग्स, सम स्टेप्स. लाइक इसने पहला स्टेप ये लिया कि इसने इराक के अंदर जितनी भी फोर्सेस थी ऑलमोस्ट उनको विदड्रॉ कर लिया. दूसरा इसने अच्छा स्टेप ये लिया कि इसने अफगानिस्तान के अंदर भी जो क्वांटम था फोर्सेस का वो काफी हद तक कम किया. तीसरा इसने ये काम किया, ही वॉज द फर्स्ट एवर प्रेजिडेंट जिसने क्यूबा के साथ डीलिंग स्टार्ट की. उससे पहले 1962 के मिसाइल क्राइसिस से पहले या क्यूबा के रेवोल्यूशन से पहले अमेरिका के क्यूबंस के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन नहीं थे. ही वॉज द गाय हु स्टार्टेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद क्यूबा एंड ही वॉज द गाय हु वॉज द मेन प्रिकर्सर ऑफ P5+1 जैक पोआ डील विद ईरान, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. इसमें जो P5 है वो 5 सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स हैं और जो 1 है दैट इज जर्मनी. लेकिन अगर हम इसकी पॉलिसीज को होलिस्टिकली देखें, ऊपर से देखें, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना इसने कोई इराक को प्रॉपर एंड दिया उसकी वॉर को, ना इसने अफगानिस्तान की वॉर को प्रॉपर एंड किया, ना इसने P5+1 का कोई एंड कंक्लूजन निकाला, और ना ही इसने क्यूबा के अंदर एक ऑफिशियल मीटअप के बाद कुछ अच्छी चीजें की. सो जब आपने बुश रजीम का क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो सॉरी ओबामा रजीम का जब क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो ये तो कहना है कि ही मेड सम मेजर्स टू गो अवे फ्रॉम बुश डॉक्ट्रिन, बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ही डन नथिंग फॉर द मटीरियल changes in Bush doctrine. Material changes मतलब वो changes जो proper नजर आती कि हाँ यार ये Bush doctrine थी और अब ये जो context है ये चीज change हो गया है. There doesn't came any material changes. He was unable to complete his initiatives. उसके बाद आया हमारे पास ट्रंप का रजीम. तो ट्रंप के रजीम में एक बात आपने देखनी है कि जो ट्रंप का रजीम था दैट वाज आल्सो ए रजीम ऑफ नॉन इंटरवेंशन. That was also a regime of non-interventions. लेकिन ये जो non-interventions थी, ये non-intervention किसी और के benefit के लिए नहीं थी. ये non-intervention America first policy के
बेनिफिट्स के लिए थी, ये नॉन इंटरवेंशंस, ये नॉन इंटरवेंशंस अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए थी। अगर यूरोपियन यूनियन से ट्रंप ने विड्रॉ किया तो अपने बेनिफिट के लिए विड्रॉ किया। अगर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ किया तो अपने बेनिफिट के लिए विड्रॉ किया। अगर सीरियन इश्यू से विड्रॉ किया तो अपने बेनिफिट के लिए विड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि चाइना, चाइना एज ए कमर्शियल एनिमी, इसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। तो यूएस के जो मेन इंटरेस्ट में चीज थी वो ये थी कि चाइना की बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए और अमेरिका का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बढ़ाया जाए। सो जिथों दी खोती उथे आके खलोती, मतलब जहां से नॉन इंटरवेंशन से इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बात चली थी, आज भी अमेरिका वहीं पे आके खड़ा है। बिकॉज इन द स्टार्ट दे केप्ट ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द रेजीम ऑफ वॉशिंगटन। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर के ऊपर फोकस करना है, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है ताकि हम स्टार्ट हो सकें। तो डिफरेंट फेजेस के बाद आज फिर ट्रंप के दौर में अगेन अमेरिका इज फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। क्यों? फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कैसा लगा साइकिल? चलो अब इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं, दोबारा सम अप करते हैं, थोड़ा सा ना इसको फेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा फेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सारे फेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, समझ आ जाएगी फिर। और बेटा ये बात ये है कि अब जो है चाइना के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है ना, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, सॉरी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो रही हैं, ये ट्रेड डेफिसिट होता है। और जिनका ट्रेड वॉल्यूम है वो भी कम होता जा रहा है। कासिम यार कौन सी बातें कर रहे हो, कोल्ड वॉर में कौन सी नॉन इंटरवेंशन थी यार? कोल्ड वॉर में तो मेन इंटरवेंशन थी। बेटा कोल्ड वॉर में तो मेन इंटरवेंशन थी। बेटा हाँ जी बिल्कुल, सोवियत इंटरवेंशन ही है। चलो अब इसके थोड़ा फेजेस के हिसाब से देखते हैं, फिर सही समझ आ जाएगी आपको। तो मुझे ये बताओ कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो फेज वन था, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो फेज वन था वो स्टार्ट हुआ वाशिंगटन से, एंड दिस फेज वाज बेस्ड ऑन आइसोलेशनिस्ट एजेंडा, कि हमने किसी पंगे में एंटर नहीं होना। उसके बाद फेज टू स्टार्ट हुआ, दैट वाज
फ्रॉम 1898 आफ्टर अमेरिकन स्पैनिश वॉर ड्यू टू फोर रीजंस दे पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड अफेयर्स. उसके बाद फेज थ्री स्टार्ट हुआ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू. America emerged as a world leader. उसके बाद फेज फोर स्टार्ट हुआ जिसका मेन मकसद कंटेनमेंट करनी थी यूएसएसआर की. हर सूरत हाल में उसको रोकना था यूएस को. उसके बाद फेज फाइव शुरू हुआ इधर विद अस और अगेंस्ट अस. बुश डॉक्ट्रिन then there came a phase 7 there were alliances jaisa ki pakistan ke sath alliance tha और पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा अलायंस था कि पाकिस्तान बिकेम अ मेजर नॉन नेटो अलाय. देन द सेम फेज Then the same phase was followed. यार मैं बुश की बता रहा हूँ यार. ये सी एक्सटेंशन थी ना फेज सेवन भी. अच्छा मेरी बात सुनो, ये फेज मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं. इसको एज एन रटा नहीं लगा लेना कि शायद ना ये कोई इसी तरह की फेजेस हैं या इस तरह कुछ ऐसा ही है. ओह माय गॉश यार, पता नहीं तुम लोग कहां से आए हो. ठीक है, ये तुम पढ़ो ही ना, इस तरह पढ़ो ही ना. ठीक है, ओके फाइन, किसी और तरीके से करते हैं ताकि तुम्हें याद रहे. नहीं तुम लोग क्या समझ रहे थे कि इनको फिजिक्स से इसी तरीके से याद रखने हैं. कोई हाल नहीं यार. अच्छा एक और तरीके से करते हैं, एक और तरीके से करते हैं. इसको ना प्रेसिडेंट्स के हिसाब से याद कर लेते हैं, प्रेसिडेंट्स के हिसाब से याद कर लेते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो. कसम से वाकई तारिक मोहम्मदी आपने बच्चे ना सही बात की है, दिल जीत लिया आपने मेरा यार. इतने तुम लोग लकीर के फकीर हो यार. प्रेसिडेंट के हिसाब से कर लेते हैं. ठीक है, वाशिंगटन, वाशिंगटन प्लस मनरो. क्या पॉलिसी थी दोनों की? वाशिंगटन से लेकर मनरो तक क्या पॉलिसी थी? नॉन इंटरवेंशन, आइसोलेशनिस्ट. ओ भाई मुझ पे क्या, सिंपल सी बातें यार, मुश्किल इसमें क्या है.
उसके बाद 1898 के इवेंट पे आओ, 1898 के इवेंट पे आओ, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, कौन है प्रेसिडेंट यहाँ पे, था थियोडोर रूजवेल्ट। हाँ थियोडोर रूजवेल्ट है। और यहाँ पे जो पॉलिसी बनती है वो कौन सी पॉलिसी बनती है, बिग स्टिक पॉलिसी की, इंटरवेंशन किया काफी सारी जगह पे ड्यू टू फोर रीजंस मैंने तुम्हें बताई हैं। उसके बाद विल्सन एंड वर्ल्ड वॉर वन, से नो टू लीग ऑफ नेशन, पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू और उसके साथ स्टार्ट होने वाली कोल्ड वॉर, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट प्रेसिडेंट था वर्ल्ड वॉर टू में, और कोल्ड वॉर में जो प्रेसिडेंट था दैट वाज ट्रूमैन, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। अन्नी बात हो, जहां पे भी यूएसएसआर इंटरवीन कर रहा है वहां पे यूएसएसआर को रोको किसी भी तरीके से। उसके बाद रोनाल्ड रीगन, बड़ा सख्त प्रेसिडेंट था यूएस का, इसने कहा कि डायरेक्ट कंटेनमेंट करो, डायरेक्टली रोको यूएसएसआर को। तो डायरेक्टली कहां पे रोका यूएसएसआर को, अफगानिस्तान में डायरेक्ट इंटरवेंशन। उसके बाद बुश, बुश प्रिवेंटिव वॉर कि अटैक ही ना कर सकें वो हमारे ऊपर, हमारे ऊपर अटैक ही ना कर सकें। उसके बाद ओबामा निगोशिएशंस प्लस कोलैबोरेशन, और उसके बाद ट्रंप अमेरिका फर्स्ट एंड नॉन इंटरवेंशन। चलो यार तुम्हें दोनों तरीकों से करवा दिया, जिस तरीके से अच्छा लगे उसी तरीके से कर सकते हो। और कसम से ये दो पेज ही याद कर लोगे ना, ये वाले दो पेज भी जिसको मैंने काउंटर लगा दिया मैंने, और ये वाला भी, और अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो ही वुड गॉट इम्प्रेस्ड कि यार इसको हर हर एरा का पता है अपने आप को। मैंने तुम्हें पूरे आयार में अभी तक यही समझाया है कि कहीं भी अपने आप को कोने में बंद नहीं कर देना, कहीं भी अपने आप को फिक्स नहीं कर देना कि सर ये चीजें, नो, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हुआ, फिर ये हुआ तो ये पॉलिसी थी, ये हुआ तो ये पॉलिसी थी, ये हुआ तो ये पॉलिसी थी। ओके नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद आपको ये चीजें बिल्कुल ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। वो ये है कि इनकी जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी, हम उनको वीएन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एक तीसरी डायमेंशन भी देख लो ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो, हम उनको वीएन के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अमेरिकन हिस्ट्री में अभी तक चार पांच जो है ना वो मेन वीएन रहे हैं अभी तक, जिनकी बेस पे अमेरिकन हिस्ट्री चली है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चली है। द फर्स्ट वीएन वॉज हैमिल्टन वीएन। अब जिन लोगों को यूएस हिस्ट्री है उनको सही समझ आ जाएगी, खैर बाकी को भी समझाता हूँ। हैमिल्टन अमेरिका का पहला, अमेरिका का पहला फाइनेंस सेक्रेटरी था,
और ये तुम्हारा छोटा सा मुझे टेस्ट बताओ, मैंने तुम्हें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में करवाते हुए एक दफा हमिल्टन का नेम यूज किया था, कौन सी थीरी में मैंने हमिल्टन का नेम यूज किया था? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त रुशान, वेरी गुड, जबरदस्त सना, मर्केंटालिज्म है, ठीक है। अच्छा, अब इन दो बातों को मान में रख के मुझे ये बताओ, इन दो बातों को मान में रख के ये बताओ कि हमिल्टन वियन में मेन वियन कौन सा होगा, कि किस चीज पे फोकस करना है? इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, लोकल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। और जाहिर बात, वो कहते हैं कि जब लोकल इंडस्ट्री ग्रो होगी, लोकल इंडस्ट्री ग्रो होगी तो क्या ग्रो होगी? वेल्थ होगी। और जब वेल्थ होगी तो वो अल्टीमेटली मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। समझ आई बात? दैट इज हैमिल्टन वियन। उसके बाद जो दूसरा वियन आया, दैट वाज जेफरसोनियन वियन। हैमिल्टन का और जेफरसन का एक दूसरे के साथ इट कुत्ते का बैर था, ठीक है, देवर कंप्लीटली ऑपोजिट विद ईच अदर। इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि बजाय इंडस्ट्री के ऊपर, इन चीजों को फोकस करने के ऊपर, मेन फोकस शुड बी ऑन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस एंड गिविंग राइट्स, सॉरी, गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल। और वो कहता था कि जब ये चीजें इंश्योर हो जाएंगी, जब ये चीजें इंश्योर हो जाएंगी तो कंट्री अल्टीमेटली वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर। द नेक्स्ट वीएन इज विल्सोनियन वीएन। अच्छा, विल्सोनियन वियन क्या था ये अब तुम लोग मुझे बताओ ना, कुछ तो खुद भी सोचो क्या होगा विल्सोनियन वियन। शाबाश, बिलीफ इन कॉरपोरेशन, बिलीफ इन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। क्या यूएन के ऊपर काम करना, क्या यूएन को स्ट्रॉन्गर करना विल्सोनियन वियन में आएगा? नहीं, तब तो विल्सोनियन वियन था ही नहीं। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूं जब भी मैं कह रहा हूं? चलो बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? शाबाश, समझदार हो गए, शुक्र है शुक्र है। कसम से नाना, तुम कहते थे मैंने जूती इधर से उधार लेनी थी। ये आइडियाज हैं, आइडियाज हैं, वीएन है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर आजकल ट्रंप किस अगर ट्रंप वापस जा रहा है तो वो किस वीएन पे काम कर रहा है? हैमिल्टन वीएन पे काम कर रहा है। अगर कोई बंदा गवर्नर्स पे काम करने लग जाएगा तो जेफरसोनियन वियन पे काम कर रहा है। अगर कोई बंदा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करने लगता है तो विल्सोनियन वियन पे बात करने लगता है। और एक वियन है जैकसोनियन वियन। ये वियन इंतहाई खतरनाक है और इंतहाई घटिया है। ये वियन ये कहता है कि जंग करो नहीं पा दे,
जंग करो, वॉर करो, जो मर्जी करो, ठीक है, और अपने बंदे कम से कम मरवाओ, उनके जो है ना ज्यादा से ज्यादा मारो, और मतलब एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ना पॉलिसी अपनाओ, हिटलर किस्म की। कुछ लोग भी होते हैं ना हिटलर के जैसे। अच्छा, क्या हम इन दोनों वियंस के दो ब्लॉक बना सकते हैं? इन चारों वियंस के हम दो ब्लॉक बना सकते हैं? डोमेस्टिक लेवल पे विल्सन ब्लॉक, इंटरनेशनल लेवल पे। इतनी डिटेल में कोई यूएस की फॉर्म नहीं बताएगा। आप मुझसे वो सस्ते सवाल ना पूछना कि सर पाकिस्तान के कितने इमदाद की उन्होंने डॉलर, ये वो तुमने खुद ही रिसर्च। मेरा काम है थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देना, ठीक है। वेल बतूल, अमेरिकन पॉजिटिव चीज है जिसको आप कह उसमें कर सकते हो। P5+1 थी, जैकपुआ वहां से विड्रॉ कर लिया, WHO से विड्रॉ कर लिया, तो तुम्हें कौन सी कॉपरेशन नजर आ रही है बेटा इसमें? या यूनेस्को को ऑल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इसने। मैंने इवेंट्स नहीं बताया, मैं इवेंट है ना, इवेंट्स देखना। मुझे बस जो पहली क्लास डर था ना, वही डर अब तक है कि यार ये बहुत लंबा हो गया यार, मतलब यार ये बहुत कुछ करवाने वाला था इसमें, तो थक गया हूं मैं। तभी हमने रशियन फॉरेन पॉलिसी भी पढ़नी है। अभी अगर मैं तुम्हें वो इवेंट्स भी करवाने लग जाऊं तो फिर तो ये 1 साल चलेगा यार। लेकिन मेरा एक तुम लोगों से ये इंशाल्लाह वादा और चैलेंज है कि अगर तुमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, तो तुम किसी भी MSIR से कम नहीं होगे इंशाल्लाह। पॉलिसी में एक एज है, रशियन फॉरेन पॉलिसी में एक एज है, ये तुम्हें 1991 के बाद करने की जरूरत है। मैं ये बताओगे सर 1991 से पहले क्यों नहीं? व्हाई नॉट बिफोर 1991? यूएसएसआर तो थी, यूएसआर तो थी, लेकिन देखो जो काम यूएसए के अगेंस्ट कर रहा होगा, जो काम यूएस के उल्ट चल रहा होगा, दैट वुड बी रशियन फॉरेन पॉलिसी। और नहीं बतूल, नहीं, क्या कर रहे हो यार? जो काम यूएस के अगेंस्ट हो रहा होगा, दैट वुड बी रशियन फॉरेन पॉलिसी। सो सिंपल इज दैट। ओके, सो इसकी इसको कितनी फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं इसकी फॉरेन पॉलिसी को? सैरिश बता दिया ना भी कि 1991 की तो फॉरेन पॉलिसी तुम्हें पता है, 1917 से लेके 1991 की फॉरेन पॉलिसी तो पता है? नहीं पता? जो कोल्ड वॉर की सारी फॉरेन पॉलिसी है, जो कोल्ड वॉर की सारी फॉरेन पॉलिसी है, मैंने यूएस के ऊपर 1 घंटा सिर्फ इसलिए लगाया है कि तुम्हें पता होना चाहिए, बस उसके उल्ट सारा कुछ होगा, वो यूएसएसआर कर रही होगी।
इसका जो मेन फॉरेन पॉलिसी है वो कोल्ड वॉर के बाद है। तो कोल्ड वॉर के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसको तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रीफली वी कैन डिवाइड इट इन थ्री मेन फेजेस। नंबर वन, 1991 to 9/11, ठीक है। दूसरी है 9/11 to वॉर ऑन टेररिज्म अराउंड 2008 तक, और एक जो है जो करंट चल रही है वो शेप किया इसने। इस दौर में कहीं आपको रशिया नजर आता है 9/11 तक? कहीं आपको रशिया नजर आता है? नहीं आता। वर्ल्ड वॉर यूनिपोलर, लेकिन इन्हें एक अच्छा काम किया कि दे बिकेम इंटरनली फोकस्ड एंड दे डिवेलप देयर इंडस्ट्री। अच्छा, इस फेज में रशिया क्या कर रहा है? इस फेज में रशिया क्या कर रहा था? अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाने लगा दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस क्रिएट करने लगा। इसमें मुझे एक इवेंट याद है, वो मैंने इससे याद रखा हुआ था, मुझे अभी तक याद है, एंड दैट इज 2008 में रशिया ने अपने आप को बताने के लिए कि मैं वापस आ गया हूँ, एक वॉर की जो किसी को याद नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉर, एंड दैट इज कौन सी है पता किसी को? नहीं, देखो किसी को पता ही नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉर, जरूर लिखना पेपर में। रूसो जॉर्जियन वॉर, रशिया ने जॉर्जिया के साथ एक वॉर लड़ी थी, और इस वॉर के ऊपर ना यूएनओ हेल्प कर सकी थी और ना ही यूरोपियन यूनियन जॉर्जिया की हेल्प कर सकी थी। तो यूएस, तो रशिया ने दोबारा अपने आप को एजर्ट करना शुरू किया। और उसके बाद जब उसको इस वॉर के बाद हल्लाशेरी मिली तो ही बिकेम मोर एजर्टिव एंड ही बिकेम एक्सटर्नल ओरिएंटेड। अच्छा, अब तुमने ना एक बात ये देखनी है, कि असल में जो पूरे का पूरा इंटरनेशनल मीडिया था कोल्ड वॉर में, जितना भी इंटरनेशनल मीडिया था, दैट वाज विद यूएसए। इसलिए हमें यूएसएसआर के बारे में इतना पता ही नहीं है, और इसलिए हमें आज ये लगता है कि शायद यूएसएसआर तो कुछ है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, यूएसएसआर इज ए ग्रेट पावर। अगर फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स में जो एक डिटरमिनेंट पावर का आता है, तो उसमें अगर आप देखते हो तो यूएस इज द वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्री। It is around 1.8 times to USA, the almost double the size of USA, and it has robust nuclear forces.
और कहते हैं कि यूएस की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है सर, यूएस रशिया की, दैट इज मोर रॉबस्ट देन इवन यूएसए. थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, दैट इज दिस इज द ओनली ओनली यूरेशियन पार्ट. यूरेशिया मतलब जो यूरोपीय में भी है और जो एशिया में भी है. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज एनर्जी सुपर पावर. इट हैज ह्यूज ऑयल रिसोर्सेज, इट हैज ह्यूज गैस रिसोर्सेज. ऑल द एनर्जी ऑफ द यूरोप comes from USSR. चाइना लेता है बेटा, आप क्यों नहीं लेता, इतनी बड़ी उनकी डील्स हैं. या ये अकेला यूरेशियन पावर है. यूरेशियन मतलब जो यूरोपिया के अंदर भी है और जो एशिया के अंदर भी है. अगर आप इसका मैप देखते हैं ना, तो इसके दरमियान में है उरल माउंटेन्स. तो इसके उरल माउंटेन्स के इस तरफ इट इज इन एशिया, जबकि इस तरफ इट इज इन यूरोप. ही हैज थर्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स. एंड दिस इज द ओनली कंट्री, दिस इज द ओनली कंट्री हु हैज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल मिलिट्री कैपेबिलिटी. एंड द कंट्री विद स्पेस टेक्नोलॉजी. बड़े स्ट्रक्चरल रियलिस्ट थे. इसमें एक नाम तुमने पढ़ा होगा, मेयर शिमर. यूएसए इक्वल टू यूएसए एंड कैनेथ वॉल्स. ये लोग यही तो कहते हैं अपनी बुक्स में कि यूएस रशिया कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल. यूएस रशिया कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल. बच्चे मैंने ये कहा कि इसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूएसए. मेयर शिमर ये कहता है कि सिंस वेरी लॉन्ग दे हैव मिलिट्री कंपटीशन. And sooner the Russia will threat USA. और ये उसने अराउंड 90s में बात की थी, जो ऑलमोस्ट आज साबित हो रही है. रशिया इज एमर्जिंग. जबकि केनेथ वॉल्स ने ये कहा था कि जब आप यूनिपोलर की सीट पे होते हैं, तब आपके साथ बड़े मसाइल होते हैं. तो उसने कहा था कि यूनिपोलर तो सबसे वीकेस्ट होता है. उसने उसके सामने तो एक सिंगल टारगेट होता है बस, कि एक्सपेंड करना है. एंड ही ऑल्सो सेज शी इज एक्सपेंडिंग.
that we are unique, we are special. हम कहते हैं कि हम बड़ी स्पेशल पावर्स हैं और जो रशिया है वो ग्रेट पावर है, हम शुरू से ही अजीम कौम है. जियोग्राफिकल एक्सटेंट है द लार्जेस्ट, वी आर द लार्जेस्ट नेशन. अभी आइडियोलॉजी में चीजें आ रही हैं, ठीक है. वी आर नहीं फिजान, ये थर्डली बतूल सबका ये नहीं ना होता, जो अमेरिका का ये नहीं ना, अमेरिका को तो तालिबान को भी, अमेरिका को तो साउथ अफ्रीका, अमेरिका को तो साउथ चाइना सी, अमेरिका को तो ईस्ट चाइना सी में भी देखना है. रशिया और चाइना का आपस में कोलिजन को भी देखना है. हाँ जी, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर हमने ये कोई खूबसूरती का कंटेस्ट नहीं हो रहा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं यूएसए हूं और मैं देखो ये करवा दिया, डेमोक्रेसी को प्रमोट करवाया एंड ऑल दैट. एज ए कल्चर ऑफ रशिया इज बेस्ड ऑन that is not popularity context, you only have to enhance your pass. कि हमें किसी की condemnation से कोई मसला नहीं है, इसके context को annex किया